आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का के में पहुंचे सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज का विषय हमारा ये है, कुछ लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि कांग्रेस का समर्थन परवीन इलाहाबादी का है। हमारा कोई कांग्रेस पार्टी का कोई समर्थन परवीन इलाहाबादी को नहीं है। हमारा कांग्रेस पार्टी का सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रही कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भाई रिंकू सैनी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रखी है, कांग्रेस पार्टी का सदस्य है, वो खुद चुनाव लड़ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का रिंकू सैनी के साथ लगने का काम है कि कांग्रेस पार्टी का जो कांग्रेस पार्टी का सिंबल लगा के, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के फोटो लगा के होर्डिंग जो लगाता है या उसका किसी प्रकार का भी वो अपना चुनाव प्रचार करता है, उसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के फोटो लगा के वो चुनाव लड़ रहा है, तो सभी का ध्येय बनता है कि उसके साथ लग के चुनाव में काम करें और उसका चुनाव जिताने का प्रयास करें। आपके अघोषित प्रत्याशी रिंकू सैनी है क्या कांग्रेस के? बिल्कुल, हमारे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं रिंकू सैनी, वो जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारा ध्येय बनता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के जो का है, जो मेंबर है, वो चुनाव लड़ रहा है तो उसके साथ लगे, ना कि जेजेपी के एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, जेजेपी के कार्यकर्ताओं को समर्थन करें। ये संगठन का डिसीजन है, संगठन का डिसीजन है, ये पार्टी का भी डिसीजन यही होता है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसका करें, ना कि बीजेपी और जेजेपी का। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था, दुष्यंत चौटाला के आने के बाद परवीन इलाहाबादी सब पहले, मैं तो पहले भी कहता था कि परवीन इलाहाबादी जेजेपी का उम्मीदवार है, और कल विनोद बैणा ने भी कह दिया कि जेजेपी का उम्मीदवार है। जो साथी कांग्रेस के जो अपने आप को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिपाही मानते हैं, वो रिंकू सैनी की मदद करें। अगर वो मदद नहीं करते, आने वाले समय में उनकी कोई मदद नहीं करेगा। दीपेंद्र जी का ट्वीट भी आया, बताते हैं पीछे। दीपेंद्र जी का ट्वीट आया, उन्होंने बात इज्जत रिंकू सैनी को ज्वाइनिंग कराई और उनको भविष्य की शुभकामनाएं भी दी, और कोशिश करेंगे। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी अभी ईडी का जो मामला चल रहा है राहुल गांधी जी के, उसमें बिजी हैं, इस वजह से नहीं आए। ये लोग जो अफवाह फैला रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, दीपेंद्र हुड्डा जी वहाँ से जो ही फ्री होंगे, चाहे जिस टाइम भी होंगे, उनका प्रोग्राम ले आएंगे और प्रोग्राम कराएंगे। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहे, जिसको रिंकू सैनी जी बुलाएंगे, जिनको मैसेज करेंगे, उनको आने का उनके पास टाइम है तो वो आएंगे। नहीं, जब आपने होर्डिंग पे पोस्टर लगवा दिए आपके नेताओं के, उसके बाद भी फिर आपके कांग्रेस के नेता यहाँ नहीं दिख रहे? हमारे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं रिंकू सैनी, उसका फर्ज बनता है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व का फोटो लगाए लगाए, लेकिन अगर जो आदमी समर्थन कर रहे हैं, अपने आप को कांग्रेसी कह के जेजेपी का समर्थन कर रहे हैं, वो उन पे लगवाए ना कांग्रेस के फोटो। जो तेलुराम जी, जो लोग कांग्रेसी होने के बावजूद परवीन इलाहाबादी का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या वो कांग्रेस पार्टी के बगावती हैं? ये तो आप ही अंदाजा लगा लो। उन्होंने तो देखो, कांग्रेस पार्टी का वो लोग हैं कौन? तेलुराम जी, वो लोग आपको भी पता है, जो लोग के कांग्रेस पार्टी के होते हुए जेजेपी के समर्थन में, वो जेजेपी का कैंडिडेट है, ना कि वो अपने आप को आजाद कहता है। जब दुष्यंत चौटाला जी आए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो थे पीछे, छुप के चले गए। राहुल मक्कड़ कौन है? जेजेपी का ब्लॉक प्रेसिडेंट, वो हल्का प्रधान है, वो उनके साथ वोट मांगता है, तो क्यों ना उसको जेजेपी का क्यों ना माने, वो जेजेपी का है। कुकू सरदार जेजेपी का है, राहुल मक्कड़ जेजेपी का ब्लॉक प्रेसिडेंट है, और भी जितने पदाधिकारी हैं वो उसके साथ वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के
जितने भी सीनियर नेता हैं उनका फर्ज नहीं बनता कि जेजेपी का। रिंकू सैनी जी के साथ जयसिंह पाली जी भी आ रहे हैं, राजेंद्र ठाकुर जी भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हो, तो वहाँ एक आधा कोई कौन सा गया है? मेनली तो सारे यहीं आ गए आपके पास। देखिए हम तो कांग्रेसी हैं और कांग्रेस का सदस्य है रिंकू सैनी, हम इनके साथ रहेंगे लास्ट तक, नहीं जब तक रहेंगे जब तक केगार इसको जिता के ना ले आए। सर बंसल जी का ये मकसद था, कौन गया कि नहीं का नाम तो बताएं आप। नहीं, मेन तो आपके पास आए तो, ना सारे। हमने तो कहा नहीं, जो गए हैं जिन्होंने फेसबुक पे डाल रखा है कि हमारा समर्थन सर, उनके साथ है। पता तो आपको भी है कौन गया? पता आपको भी है मेरे नाम लेने की जरूरत नहीं। नाम तो मैंने कहा मैंने किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नाम फर्जी तौर पे लोगों को बहलकाने के लिए भी लगाए जा सकते हैं। पहले आप क्योंकि सुनिए अभी पहले आप पहले आप ना गाड़ी सरक जाएगी। नहीं नहीं गाड़ी नहीं सरकेगी। देखो मैं बताता हूँ, फेसबुक आईडी किसी और की है, उन्होंने अपनी आईडी से या अपने ट्विटर से उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। फेसबुक आईडी किसी और की है, हमें क्या पता वो कांग्रेस का सदस्य भी है या नहीं है। दो पूर्व मंत्री है दोनों भाई विनोद सैनी और रिंकू सैनी, सुमन शर्मा जी के यहाँ गए, अतर सिंह सैनी जी के यहाँ गए, सुभाष गोयल जी के यहाँ उनकी बात हुई ना हुई मुझे नहीं पता, लेकिन हमने जरूर कहा है सुभाष गोयल जी को कि कांग्रेस ज्वाइन कर रखी है रिंकू सैनी ने, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में की थी और उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। जब आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये कहा कि भाई मैं अभी डिसीजन नहीं करूंगा, आप कांग्रेस के कितने साथी चुनाव लड़ोगे, जो साथी चुनाव लड़ेगा मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन कांग्रेस के एक ही साथी ने पर्चा भरा और किसी ने पर्चा भरा नहीं, तो कांग्रेसियों का फर्ज बनता है कि वहां रिंकू सैनी के साथ। आपने सुभाष गोयल जी का जिक्र किया तो उनके लड़के पवन गोयल ने कल डायरेक्टली एक फेसबुक पे पोस्ट डाल ली है कि हमारा पूरा समर्थन जो है वो प्रवीण अहलावादी की तरफ जाता है, क्या लगता है जो इतने पुराने कांग्रेसी है वो ऐसे बागी हो गए हैं? वो देखो के कर, वो उनने पता है उनकी सोच है, गोयल साहब ने नहीं डाला, उनके लड़के ने डाला है, क्या पता उसके लड़के की ना बनती हो, मुझे क्या पता। सर सुमन शर्मा की बात कर रहे हैं, सुमन शर्मा जी ने प्रवीण अहलावादी के मंच से कहा था मैं कांग्रेसी हूँ, हुड्डा साहब मेरे नेता है, लेकिन वो वोट उनके लिए मांग रहे हैं। वोट उनके लिए मांग रहे तो ऐसे जयचंदों को पहचानने की जरूरत है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं और वोट जेजेपी के लिए मांग रहे हैं तो ऐसे जयचंदों को पहचानने की जरूरत है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तेलुराम जी आप बहुत शीर्ष नेता है और संगठन में आपकी बहुत पकड़ है, तीन तीन पद है आपके पास, पूर्व में पिछड़ा आयोग के सदस्य भी रहे, ऐसे जयचंदों को आप डिसिप्लिनरी एक्शन अनुशासनात्मक कार्रवाई करवाएंगे क्या? वो तो बाद की बातें हैं, चुनाव होने दो, हम हाईकमान के पास जाएंगे। अच्छा। बताएंगे भी के क्या पार्टी के डिसिप्लिन यही है क्या, जो कांग्रेसी खुद स्टेज पे कहते हैं कांग्रेसी हूँ और वोट जेजेपी के लिए मांग रहे हैं। चुनाव की बात करें, चुनाव से पहले अकेला हो जाएगा है जी, आप कह रहे हैं चुनाव के बाद जाएंगे, जो हमारे नेता है बड़े नेता जो भी इनकी आपने शिकायत करनी है, चुनाव से पहले तो खेला हो जाएगा? खेला बिल्कुल नहीं हो, रिंकू सैनी जीतेगा एक तरफा। ये दौड़पोस्ट की संख्या दी गई है? दौड़पोस्ट तो है ही, हम दौड़पोस्ट रहते ही हैं, दौड़े कपड़े पर हैं, दौड़पोस्ट तो है, लेकिन जो 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 ये कहते हैं दौड़पोस्ट है वो अपने गिरबान में झाक के देख ले, नहीं दौड़े कपड़े पहने छोड़ दे। दीपेंद्र हुड्डा कब आएंगे हाथी में? देखो टाइम जो भी ईडी का मामला चल रहा है उससे फारिग होते ही। तो आप ये क्लियरली मानते हैं कि कांग्रेस की आपसी फूट का जो खामियाजा कहीं के रिंकू सैनी को भुगतना पड़ सकता है? देखिए रिंकू सैनी को बिल्कुल नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समय है ये एकजुट होने का समय है। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जुटे हुए आरोप प्रत्यारोप हमने हम नहीं लगा रहे, लेकिन जो लोग कांग्रेसी हो गए और जेजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। क्या वोट ट्रांसफर होगा उनके घर से? नहीं होगा। तो क्या ये कांग्रेस के खिलाफ ही कोई साजिश हो रही है? हाँ जी, कांग्रेस के खिलाफ साजिश की जा रही है? कांग्रेस के खिलाफ साजिश नहीं है, वो उनको खुद के खिलाफ साजिश हो रही है, अपना मकसद पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, पीछे भी बहुत लोगों ने किया था, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी लगती रही है हमेशा, वो किसी का नहीं अपना खुद का नुकसान कर रही है। एक बड़ा मीठा सा प्रश्न पूछ लेता हूँ, आप रिंकू सैनी जी के कृष्ण बनके यानी सारथी बनके घूम रहे हैं उनके साथ प्रचार में, तो कितना जन समर्थन और अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है,
और कैसी फाइट रहेगी? देखिए बंसल जी, रिंकू सैनी जी आज दौड़ में सबसे आगे हैं। अच्छा, ये जो सट्टा बाजार है, इस सट्टा बाजार में जो पैसा देखे तमाशा देखे, आज रिंकू सैनी के मुकाबले में कोई नहीं है। कोई तो कहता कोई प्रवीण इलाहाबादी है, कोई कहता, मैं यूं कहता हूँ बीजेपी के साथ टक्कर आएगी। प्रवीण इलाहाबादी लाइन में भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? जेजेपी को वोट गिरना ही नहीं चाहता कोई, चौड़े में आ गया। कल बैना साहब ने भी बता दिया कि जेजेपी का कैंडिडेट है, अपने आप को आजाद उम्मीदवार कहने वाला जेजेपी का कैंडिडेट है। जब मैंने पहले भी बताया कि ब्लॉक प्रेसिडेंट और सारे लगे हुए हैं, दुष्यंत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप गए थे, वहां भी थे वो। बयाना साहब ने कल बताया, उससे पहले भी तो पता था जेजेपी है। कल नेता कोई आ गए हैं बीच में, तो कल से उनकी बगावत शुरू हो गई, जेजेपी के थे। देखिए जब नेता कोई इशारा कर गया तो जेजेपी का था, हमारे कांग्रेसी भी के पता बात सुन के वापिस आ जाए। हाँ खुलना खुलनी चाहिए, कभी खुल जाए। आज कांग्रेसियों के जेजेपी वाले कभी तो कह देते हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, कभी वो प्रवीण इलाहाबादी को सपोर्ट कर देते हैं, ये क्या खेला हो रहा है? देखिए ना तो उनका आपसरी में सिर्फ मन नहीं मिले, उनके कागजों में तो समझौता है लेकिन मन नहीं मिल रहे उनके। वो एक दूसरे को हराने का काम करेंगे और रिंकू सैनी एक तरफा जीत के निकले। देखिए वोट लोगों ने देनी है ना कि पूर्व मंत्रियों ने, पूर्व मंत्री ने वोट नहीं देनी, लोकल लोगों ने, लोगों के पास जाएंगे। रिंकू सैनी जी वोट मांगने लोगों के घरों में, लोगों के दिलों में छाया हुआ है, लोग वोट डालेंगे। बटन तो अतर सिंह सैनी पूर्व मंत्री हमारे, वो भी एक ही डाल गएंगे, गोयल साहब भी एक ही डाल गएंगे, सारे एक एक डालेंगे, लेकिन पब्लिक ज्यादा है, मंत्री दो है, वोट दो डालने की। यानी आपके ये मंत्रियों को रुतबा को देने का, रुतबा से कोई वोट नहीं डालता, लोगों के दिलों में छाया हुआ है ना, उसकी वजह से वोट डालेंगे। ठीक है साहब, गुड विशेष फॉर, धन्यवाद, थैंक यू।